22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, उसको लेकर अयोध्या में भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या सज रही है, सवर रही है और बहुत सुंदर दिखाई देगी, यानी अयोध्या परिवर्तित और बदली हुई दिखाई देगी। लेकिन राम जी की जो लीला है, राम जी की जो कृपा है, वो सारे सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन हम सब करते चले, क्योंकि यहाँ के सारे जो दुकानदार हैं वो सब भक्ति में लीन है, राममय में लीन है। यहाँ की दुकानें अगर देखेंगे तो भव्य तरीके से बनाई गई हैं, जिस तरह से मंदिर का आकार दिया गया है, स्वरूप दिया गया है, उसी तरह से सभी दुकानों को आकार दिया गया है। एक तरफ से अगर देखेंगे तो लगातार जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी दुकानें हैं सबको मंदिर की तरह से आकार दिया गया है, जिससे आने वाले पर्यटकों को, आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या के जो दुकानें भी हैं वो भी एक स्वरूप में दिखाई दें, एक रंग में दिखाई दें, यानी अयोध्या एक रंग में दिखाई दे। और वो रंग है राजा रामचंद्र भगवान का, वो रंग है हनुमान जी का। हनुमानगढ़ी के एकदम निकट है, हनुमानगढ़ी की ये दुकानें हैं, पूजन सामग्री की दुकानें हैं, ये श्रृंगार की दुकानें हैं, और ये सारी दुकानें जब दूर दराज से, देश भर के कोने कोने से भक्तगण आते हैं, तो कोई प्रसाद ग्रहण करता है, तो कोई खिलौने लेता है, तो कुछ लोग हनुमान जी की गदा और विजय पताका लेकर पहुंचते हैं। हर दुकान पर आप देखेंगे तो एक ही तरह का स्वरूप दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीतल के की सामग्रियाँ आपको देखने को मिलेंगी, आपको बाजार में पीतल के घंटी हैं, गदा है, आपको पीतल के ही तमाम बहुत सारी और चीज़ें दिखाई देंगी। तो दुकानों पर यहाँ पर आने पर आपको भक्ति का स्वरूप जरूर दिखाई देगा, भक्ति के रंग में रंगे हुए आप जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि दुकानों के स्वरूप को भी उसी तरह से बनाया गया है। तो 22 जनवरी आने वाली तिथि, आने वाली तारीख का सभी को इंतजार है, सभी को प्रतीक्षा है, यहाँ के दुकानदारों को भी बहुत तीव्र गति से प्रतीक्षा है कि बस श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाए, पर्यटकों का आना शुरू हो जाए और फिर अयोध्या भव्य और दिव्य दिखाई दे। पीछे हमारे देख सकते हैं कि बहुत विशाल मंदिर है, शिखर है, बड़े बड़े मंदिरों के कारण, बड़े बड़े महलों से ही अयोध्या जानी जाती है, अयोध्या का स्वरूप भव्य और दिव्य बनता है। और इसीलिए यहाँ पर अगर राजा दशरथ जी का महल है तो ये कहा जाता है कि बड़ा स्थान है, यानी यहाँ के लोगों का दिल भी बड़ा है, यहाँ के लोगों की भक्ति भी बहुत बड़ी है, त्याग और समर्पण की साधना स्थली अयोध्या एकदम रंग चुकी है भक्ति के रंग में, अयोध्या एकदम रंग चुकी है राम जी के एकदम श्रृंगार में, और राम लला विराजमान की प्रतीक्षा और इंतजार में हर कोई भक्तगण है। देश और दुनिया से भक्तगण आने लगे हैं, श्रद्धालु आने लगे हैं, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है अयोध्या में, बहुत कुछ बदला है अयोध्या की आबो हवा में, बहुत कुछ बदला है अयोध्या के उस वातावरण में, जो अयोध्या कभी डरी और सहमी रहती थी, जहाँ पर लोग आते थे बहुत घबराए हुए होते थे, भयभीत हुए होते थे, लेकिन उन सब से अयोध्या अब दूर हो गई है, उन सब से अयोध्या अब एकदम निकल कर बाहर आ गई है, और अयोध्या अब राम की भक्ति में रंगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के भक्तगणों को देखेंगे, यहाँ के श्रद्धालुओं को भी देखेंगे तो बहुत ही शांत और बहुत ही फुर्सत में आप सबको दिखाई देंगे, क्योंकि उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा बेसब्री नहीं है, क्योंकि राम जी का दर्शन करने के बाद उन्हें बहुत सारे और तीर्थ स्थानों के दर्शन होने हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अब ये एक ही रंग में दुकानें रंगी जा रही हैं, कहीं पर गदा है, कहीं पर हनुमान जी हैं, यहाँ पर कारीगर काम करते हुए आप सबको दिखाई देंगे, यानी एक रंग में, एक दिव्य में, एक भव्य में अयोध्या दिखाई देगी, अयोध्या का दर्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का विशाल स्वरूप बना हुआ है दुकानों पर। तो सभी की कोशिश यही है, सभी का ये प्रयास है कि 22 जनवरी तक अयोध्या ऐसी दिखाई दे, ऐसी दिखाई दे, ऐसी चमक और दमक के रूप में दिखाई दे, जिससे हर कोई कहे कि हाँ, अयोध्या सज गई है, अयोध्या सवर गई है और हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं। तो अयोध्या का वो दर्शन आप सब देखिए, हनुमानगढ़ी का दर्शन जरूर करिए, हनुमान जी का दर्शन किए बिना अयोध्या से कभी वापस मत लौटिए, क्योंकि आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हनुमानगढ़ी का दर्शन तो जरूर करिए, आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, हर तरफ आपको भक्तगण दिखाई दे रहे हैं, और यहीं पर आप सबको दिखाई देगी तैयारियाँ, ऊंचे ऊंचे मकानों पर तैयारियाँ चल रही हैं, एकदम गेरुए रंग का
ये जो मकान है, ये सारे मकान दुकानें सब एक रंग में आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी के रूप में कहा जाता है, वैसी ही हमारी अयोध्या भी एक भक्ति के रंग में रंगी हुई दिखाई देगी। बस आइए, जनवरी का इंतजार है, जनवरी में पूरी अयोध्या भक्ति के रंग में आपको देखने को मिलेगी। इन बाजार में, इन हाट में, इन मेलों में बसता है हमारे भारत का प्राण, हमारे भारत के लोगों की जीवन शैली। तो जब आप तीर्थस्थलों पे आते हैं तो आप सबको ये मेले, ये उत्सव, ये रंग और ये दुकानें, सब चीजें मिलती हैं। इन्हीं से संपूर्ण समुच्चय बनता है भारत वर्ष का। तो आइए, अयोध्या की इस यात्रा में ऐसे ही दर्शन आप सबको कराएंगे। आप सबकी कोई जानकारी हो तो आप सब कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए। पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबको अयोध्या आने की और साथ ही अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप सबको देने की कोशिश करेंगे।